हर शहर ऐसी जगह होती है जहाँ किस्मत और कामयाबी हर मोड़ पर आपका इंतजार करती है, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए। या हो सकता है आपको अपने सपनों का राजकुमार यही मिल जाए। हाँ, गलत चुनाव करने में खतरा तो है और आपको अपनी किस्मत से हाथ धोना पड़ सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जरूर फेमस होंगी और अपने राजकुमार से भी मिलूंगी। मैं अपने सपने पूरे करूंगी। जब तुम्हारे सपने पूरे हो जाएं, फेमस हो जाओ, तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं दूसरा किराएदार रखूंगा। लेकिन इस वक्त तुम दफा हो जाओ यहां से। वैसे भी 2 हफ्तों से फ्री में रह रही हो, चलो जाओ। तुम जा रही हो कहाँ? नीचे। नहीं, मैं इस शहर में नीचे नहीं, ऊपर जाने के लिए आई हूँ। हे, तुम्हारा बॉटल ओपनर मेरे पास रह गया था। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो नया ले लिया है। क्यों, इसका हैंडल देखो, कितना कूल है ये। बात तो सही है, लेकिन 2 हफ्ते इस इंस्ट्रूमेंट के बिना तो रहना मुश्किल है ना। सॉरी, एक्चुअली मैं काम में फंस गई थी और लैंडलॉर्ड ने मुझे घर से निकाल दिया है। वैसे तुम्हारा उसके साथ कैसा चल रहा है? मेरा ठीक चल रहा है। सच में? हाँ? जरा इसे पकड़ो, मैं 2 घंटों में आती हूँ, मेरा सामान तुम्हारे यहाँ रख देती हूँ, ठीक है? मेरे यहाँ क्यों, तुम्हारे पास कोई और जगह नहीं है? नहीं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और मैं इसे सीढ़ियों पर भी तो नहीं रख सकती ना, नहीं तो वो उसका भी रेंट मांगने लगेगा, कौवा भी चुरा सकता है। वैसे तुम्हारा नाम? कात्या। मिशेल, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं अरे इसे यहाँ पे देखो, आई प्रॉमिस, बस 2 ही घंटों की बात है। मैं अच्छी सी जॉब ढूंढूंगी, फिर रहने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढूंगी और सारा सामान ले जाऊंगी। ओके, बाय बाय। लाउजी पड़ोसी। स्वेटा, मुझे बधाई दे, मैं बेघर हो गई हूँ और नए घर के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं, लेकिन ये सब तो टेम्पररी है, तू फिक्र मत कर, ठीक है? मैं अपना सामान पड़ोसों के यहाँ रख कर आई हूँ, जल्दी ही सब कुछ मैनेज कर लूँगी। अच्छी सी जॉब ही तो ढूंढनी है, तुझे पता है इस शहर में बहुत जॉब्स हैं, उनमें से एक तो मुझे मिल ही जाएगा। लोग वेट ही कर रहे हैं कि कात्या कब आएगी और हमें जॉइन करेगी। एक्चुअली मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ सर। मेकअप? लेकिन हम कोई पिक्चर नहीं बना रहे हैं। मुझे पता है, बाल काटना, उन्हें डाई करना, फिर टोनिंग करना, आप जो कहे सब कर सकती हैं। बहुत खूब। थैंक यू सर, मैं त्योहार के लिए और ब्राइडल मेकअप भी बहुत अच्छे से करना जानती हूँ सर। त्योहार, अच्छी बात है, मेरी अकाउंटेंट कर लेगी, तुमसे बात कर लेगी। मैं समझी नहीं सर। मेरी अकाउंटेंट का नाम नतालिया है, लेकिन आज उसके हस्बैंड का बर्थडे है। ओ, अच्छा? तो वो रेस्टोरेंट में जाएगी। हाँ, हाँ। उसे एकदम सजा धजा के तैयार करो। नो प्रॉब्लम सर। नतालिया, मरीना, जल्दी उसे फोन करो। नतालिया कौन है? अरे ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारा बॉस भी बड़ा अजीब है। कम ऑन, वो इतने भी बुरे नहीं है। अब इससे बुरा और क्या होगा? हा? मैं सब सुन रही हूँ। हेलो नतालिया मैम, मैं कात्या हूँ, आइए ना। अरे यहाँ पर आराम से बैठ जाइए, आपके हस्बैंड का बर्थडे है ना। ग्रेट, तो अब हम आपका हुलिया पूरी तरह से बदल देंगे, ठीक है? आप पूरी तरह चेंज हो जाएंगे, देखिएगा, आप खुद को पहचान नहीं पाएंगी। ये कौन है? खुद को देखिए, यहाँ ये। बहुत ब्यूटीफुल लग रही है ना। मैं तो खुद को पहचान ही नहीं पा रही हूँ।
पता नहीं वास्या क्या कहेंगी मुझे देखकर, शायद खुश हो जाए। नताला मैम, वैसे आज सर से आपको कोई भी चुरा सकता है। अरे कौन है भाई? हेलो सर। हर मुझसे क्या चुराएगा, ये कौन है? और मेरी नताल्या कहाँ गई? अचानक गायब कहाँ हो गई वो? वर्षा, इतना मजाक करना भी अच्छी बात नहीं है, ये तो एक्सपेरिमेंट है ना? जी। मतलब आजकल इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट होने लगे हैं क्या? वास्या, मैं इस लड़की को बहुत मना कर रही थी लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। इसने कहा कि ये मुझे बिल्कुल मॉडर्न बना देगी। देखो, मुझे कोई नई नताल्या नहीं चाहिए, मुझे अपनी पुरानी बीवी वापस चाहिए। सर, आपको अपनी पुरानी बीवी वापस क्यों चाहिए? मैम को देखिए तो। अरे मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि ये लड़की जिद कर रही थी। तुमने जिद की थी ना? हाँ, मैंने थोड़ी सी जिद की थी। मुझे अपने टैलेंट पर यकीन है। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि अपनी वाइफ को ऐसे देखेंगे? बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया बर्थडे पर मेरा मूड बिगाड़ने के लिए। और अब मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा शुक्रिया, मुझे बार्बर की जरूरत थी लेकिन अब शायद अकाउंटेंट की भी पड़ेगी। जो भी हुआ उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया। अब मैं अंदर जाऊं? सिट डाउन, आपका नंबर आने पर आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। फनी है ना? क्या? यहाँ के प्रोड्यूसर का लास्ट नेम गुटेन नच है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। क्या ये तुम्हारा पोर्टफोलियो है? हाँ। क्या मैं देख सकती? हाँ, देखो ना। मुझे देखना है। थैंक यू। वाओ, तुम्हारा काम तो बहुत कमाल का है। मैंने बहुत मेहनत की है। नो, और मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, स्टेशन पर किसी ने मेरा बैग चुरा लिया, अब मैं क्या करूं? उसमें मेरा पोर्टफोलियो, पैसे, मेरी सारी चीजें थी उसी में। बचे कुछ आखिरी पैसों से मैं यहाँ तक आई हूँ, क्या करूं? मैं पैसे वाली तो नहीं हूँ पर थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पैसे नहीं चाहिए। पैसों की बात नहीं कर रही, मुझे तो बस जॉब चाहिए। वो तो है, आजकल सबको जॉब चाहिए। सही कहा, बिल्कुल सही। वैसे आज किसी की किस्मत चमकने वाली है, मेरा मतलब है जॉब के मामले में। रियली? पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखो, कोई और नहीं आया है और उन्हें गुड मॉर्निंग के लिए मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, और यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, तो हम दोनों में से ही किसी एक का सिलेक्शन होगा। और तुम्हारे पास पोर्टफोलियो भी है। दोनों में से किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। मेरे पापा के पैर नहीं है, ऑपरेशन करके उनका पैर बिठाना होगा। मेरी माँ की आंखों का ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो वो अंधी हो जाएगी। मेरे पास जॉब भी नहीं है, मैं बेल्डायाश की में रहती हूं। ठीक है, अब रोना बंद करो, ये जॉब तुम्हारी है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, किस्मत एक मौका तो हर किसी को देती है। सच में? हाँ, तुम्हें चांस मिला है, मेरे पास तो बहुत से ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक्स अ लॉट। जॉब मुबारक हो। उफ, लड़की है, चली भी गई, अब मैं अंदर जाती हूँ। हेलो मैम, यहाँ सिर्फ मैं अकेली हूँ। देखते हैं, यहाँ जा चुकी हूँ। इन्होंने मुझे इंतजार करने के लिए कहा था, इन्होंने मुझसे पूछा मेरा दुनिया के बारे में क्या नजरिया है, और मैं जितनी ज्यादा कोशिश करूंगी कामयाबी के उतने करीब जाऊंगी। ओ हेलो, क्या क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, वो नहीं मिलेगा, वो तो मेरे बड़े मौकों का एक छोटा सा दरवाजा है, इसलिए वो तो मैं नहीं देने वाली, नहीं दूंगी। अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ तुम सही समय पे आ गए, मैं अभी बाहर निकलने ही वाला था। ओह, ये मेरा सामान है ना, तुम इसे अंदर ले आए? हाँ, 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 हाँ। इस बैग को ऐसे क्यों रखा है? क्योंकि वो तुम्हारी ब्लैकबेरी गिर गई थी। क्या? तुमने ब्लैकबेरी की बोतल तोड़ दी? हाँ। तुमने ऐसा कैसे किया? इस बैग में मेरी आईडी थी। अब मुझे कैसे पता?
रे 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 रे। चलो ठीक है, फर्श तो साफ हो ही गया। अरे रुको, वो मेरा मग है। सॉरी, मेरे हाथ जो लगा मैंने ले लिया। वैसे बर्नी, मैंने नहीं तोड़ी थी। ओके ठीक है, तुम्हें देर हो रही है क्या? ओ तो एक काम करते हैं, तुम बाहर चले जाओ, मैं ये सब साफ कर दूंगी। डोंट वरी, तुम्हारे घर का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ओके okay? और वैसे भी आज रात मेरे पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं यहाँ सोफे पर। तुम रुक सकती हो? हाँ? हाँ? सच में? फिक्र मत करो, तुम्हारा घर चकाचक कर दूंगी। वैसे मूवी काफी अच्छी थी ना, लेकिन तुम परेशान लग रहे हो। वो ऑफिस में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? और तुम्हारे डिपार्टमेंट में? मैंने तो ऐसा नहीं सुना। वैसे प्रॉब्लम नहीं है एग्जैक्टली, काम का प्रेशर है। मेरी माँ कहती है ऑफिस की टेंशन ऑफिस में ही रखनी चाहिए। मेरी कल दोपहर की 12 बजे की शिफ्ट है, तो आज रात हम तुम्हारे घर में मजे कर सकते हैं। नहीं, मैं वो ऑफिस से घर में काम बहुत ज्यादा लेकर आया हूँ, तो वही काम करने में पूरी रात निकल जाएगी, इसलिए। ठीक है। मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। दोपहर हो गई? हाँ। पता ही नहीं चला, लेकिन तुमने मुझे क्यों उठाया? मेरी मीटिंग तो 3 बजे, तुम गए नहीं। मैंने तुम्हें मेरे मग को छूने से मना किया था और तुमने जानबूझकर इसे तोड़ दिया। मैंने जानबूझकर नहीं, थोड़ा बर्तन साफ कर रही थी और टूट गया, और तुमने ये नहीं देखा कि यहाँ सब कुछ कितना साफ सुथरा लग रहा है। तुम कॉफी के लिए कोई दूसरा मग ले सकते हो। मुझे किसी और मग से नहीं, मेरे ही नीले मग से कॉफी पीनी है, समझी तुम? और तुमने मेरी कॉफी कहाँ रखी है? कहाँ रखी है? बोलो। मैंने उसे कहीं रखी नहीं, फेंक दी। ऐसा क्यों? उसमें से बदबू आ रही थी, मुझे लगा तुम बीमार पड़ जाओगे। गंदी बदबू आ रही थी? 2000 रुपए की 100 ग्राम कॉफी मिलती है, वो जानती हो तुम? बहुत रेयर कॉफी है, कॉफी लुआक कहते हैं उसे, कुछ पता है तुम्हें? ये वही है जो गिलहरियां खाती हैं। गिलहरियां? सिवेट कॉफी है वो, सुमात्रा की। अच्छा, मूड ऑफ मत करो, ठीक है? मेरे पास है कॉफी, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। और मेरी कॉफी में ब्लैक करंट की खुशबू है, हाँ गिलहरियों वाली खुशबू नहीं है। देखो, मुझे कॉफी पीनी है लेकिन अपने ही मग से कॉफी पीनी है, बात समझ में आ गई? और मुझे मेरा टूथब्रश वैसा ही चाहिए जैसे मैंने कल रात को रखा था, बिल्कुल अकेला, समझी? मैं समझ गई, आज रात से पहले मैं चली जाऊंगी। वाह, बहुत सुंदर है, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने बुलाया है तुम्हें? बताओगी मुझे? और ये कौन है? जरा इस गद्दे पर बैठ कर देखो। हाँ जरूर। ये यहाँ क्यों आई है? डार्लिंग, ये किराए पर रूम चाहती है। रूम चाहती है? हम अपना रूम किराए पर बुढ़ी औरतों को देंगे, जवान खूबसूरत लड़कियों को नहीं, समझ गए तुम? जरूरी है क्या? किराया कितना? इसे ट्राई करो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, देखो तो सही। नहीं, मुझे कुछ ट्राई नहीं करना, मुझे बस पैसे बचाने हैं जब तक जॉब नहीं मिल जाती। कब मिलेगी? जॉब के लिए कहाँ कहाँ ट्राई किया? बताती हूँ, 15 पार्लर्स, 4 ब्यूटी सेंटर्स और 2 टीवी कंपनीज में ट्राई कर चुकी हूँ। तो तुम्हारा बैड लक चल रहा है। हाँ सही कहा, और मुझे इससे फाइट करना होगा। तो तुमने अब क्या सोचा है? पता नहीं, जल्दी ही जॉब मिल जाएगी ये बोल बोलकर मैं खुद का हौसला बढ़ा रही हूँ, और हौसला बढ़ाने के लिए ही मैं इस ड्रेस को खरीदने वाली हूँ। कितनी अजीब लड़की है। मिखेल, ये देखो ब्लू मग। तुम्हारी कॉफी मैं लेकर आऊंगी, लेकिन तब जब मुझे जॉब मिल जाएगी। ठीक है। वैसे तुम यहाँ रह सकती हो, भूख लगी है क्या? बहुत जोरों की लगी है। मैं खाना बनाती हूँ। मैं लवाश लेकर आई हूँ। तुम्हारे फ्रिज में क्या क्या है? ओके, पिकल है, मशरूम्स है, और ये भी ठीक है। ओ, लहसुन। क्या लहसुन? अरे लहसुन के साथ वेयर कॉम्बिनेशन है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो, मैं कोल्ड वर्ल्ड्स बना रही हूँ, तुम खा के तो देखो उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। बस तुम्हारे टेस्ट बड्स और इमेजिनेशन काफी अच्छी होनी चाहिए। ओ, तो तुम्हारा मिडिल नेम मॉडरेशन है। देखो हमें लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। बाय द वे, मेरी नई ड्रेस कैसी लगी? तुमने नई ड्रेस खरीदी? हाँ। तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, जॉब नहीं है, और तुम ड्रेस खरीद रही हो? हाँ, मैंने तो इसे इंटरव्यू के लिए लिए है ताकि मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए। कपड़ों से भी तो इम्प्रेशन पड़ता है ना, तो जॉब मिलेगी तो मैं नया घर ले सकती हूँ। किस्मत कभी भी बदल सकती है, देखना मुझे सब मिलेगा। और तुम्हें पता है ऐसी ड्रेस पहनने वाली लड़कियाँ लकी होती हैं। उम्मीद है तुम्हें किस्मत सब कुछ जरूर देगी। जरा इमेजिन करो, मुझे इस ड्रेस में एक फेमस डिजाइनर देखता है और कहता है कि कात्या, तुम्हारे जैसी मॉडल मैं पूरी जिंदगी ढूंढ रहा था, अब सिर्फ तुम ही मेरे सारे डिजाइन की मॉडलिंग करोगी। देखो सपने से बाहर निकलो। अब क्या हुआ? ये इयररिंग्स तुम पर अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, अच्छे नहीं लगते तो नहीं लगते। तुम्हें इसे पहनना चाहिए, तुम इसमें अच्छी लगोगी। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। तुम और मिशेल कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, मैं उसे मिलने जा रही हूँ। अजीब बात है। अब इसमें अजीब क्या है, हम पिछले 6 महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें गलती करने से रोकने जा रही हूँ। क्या गलती माँ? आई एम श्योर मिशेल आज मुझे प्रपोज करेगा। तो उसके प्रपोज करने के बाद हम गलतियों पर बात करना बंद कर देंगे। मम्मा, सिविल मैरिज करके कितने लोग खुश रहते हैं। यही झूठ है, सरासर झूठ है। मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। और एक बात कहूँ तुमसे, अगर तुम बेवकूफ ना होती ना, तो सबसे पहले इसे रजिस्टर करती। तुम्हारी वजह से तो मेरी चिंता और बढ़ती जा रही है। माँ, चिंता मत करो, मैं आपकी बातें ध्यान में रखूंगी। ये इयररिंग्स तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं।
हेलो हेलो, तुम कौन हो? तुम कौन हो? ये मेरे स्लीपर्स हैं। ओह, बहुत कंफर्टेबल। हाँ ओलिया, ये कात्या और ये मेरी रूममेट है, ये ओलिया है मेरी जीएफ। हाँ, है ना सरप्राइज तुम्हारे लिए? वाह, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, लेट हो जाऊंगी। और हाँ, मैंने कोल्ड बॉल्स बनाए, जरा खाकर देखना, तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। मैं जा रही हूँ, मैं चली गई, बाय। शायद मैंने सरप्राइज देकर अच्छा किया। हेलो स्वेटा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। हाँ ओलिया, वो अजीब है, लेकिन क्या करूँ, उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तुम उसे जेल कैसे लेते हो? मुझे नहीं पता है ओलिया। वो सिर्फ यहाँ एक दिन रहने वाली थी ना, तो फिर वो कब जाने वाली है? उसे जल्द से जल्द बाहर निकालो। ठीक है। मेरे पास सॉस है। सॉस? तुम्हें सॉस की पड़ी है? तुम्हें ये हो क्या गया है? तुम क्वार्क्स और ये अचार मिक्स करके कैसे खा सकते हो, बोलो। यही तो बोल रहा हूं मैं कि वो बहुत अजीब है। तो मेरा ऐसा लुक बनाओ कि आलग मुझे देखकर पागल हो जाए। तू जितना बकबक करती है, वो सुनकर तो वो वैसे भी पागल ही होने वाला है। तुम्हें ये अच्छे से पता है कि वो बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसा है। चल, अच्छा है ना कि तुझे तेरा राजकुमार मिल गया। वो बहुत प्यारा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, बिल्कुल मेरे राजकुमार के जैसा। दुनिया में इतने अच्छे लड़के और मैं सारा दिन सिर्फ अपने बोरिंग से रूममेट से बात करती रहती हूँ। अच्छा चलो, अब मुझे जाना होगा। लेकिन तुम एक प्रॉमिस करो। क्या प्रॉमिस करूँ मैं? मुझसे वादा करो कि आज वो घर से बाहर चली जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे घर पहुंचने तक दूसरा दिन शुरू हो जाएगा। मतलब तुम उसे नहीं निकालना चाहते है ना? ऐसी बात नहीं है ओलिया, देखो तुम गलत समझ रही हो यार, तुम सुनो तो सही। उसे घर छोड़ने के लिए कहोगे, समझे? नहीं तो किस नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं उसे बात करता हूँ। बाय। क्या है ये? अलार्म है। ये मेरा अलार्म है और यहाँ क्या कर रहा है? मैंने लिया। क्यों लिया था? मुझे सुबह जल्दी उठना है, इसलिए मैंने अलार्म सेट किया था अपने लिए। आखिर तुम मेरे घर से बाहर कब निकलने वाली हो? अलार्म, मुझे जल्द से जल्द वो खुशनुमा पल दिखाओ। रिलैक्स मिखेल, अलार्म ऐसी फालतू चीजें नहीं दिखाता। मेरी माँ से बात कर ली है। किस बारे में? मिशेल, मैंने तुम्हें किस किया? तुमने इस बारे में अपनी माँ से बात की? मिशेल, क्या तुम कंप्यूटर की तरफ ही देखकर बात करने वाले हो? अच्छा सुनो ना, मुझे फिर से किस करोगी क्या? क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। बिल्कुल भी नहीं। आज माँ ने तुम्हें डिनर पर बुलाया है, समझे? टाइम पर आना। समझा कि तुम्हारी माँ मुझसे डिनर पर मिलना चाहती है। डिनर तो एक बहाना है मिशेल, वो तो तुम्हें परखना चाहती है। क्या मतलब? मतलब साफ है कि तुम्हें इस इम्तिहान को पास करना होगा और तुम माँ के लिए फूल लेकर आना।
उन्हें गुलाब पसंद नहीं है, उन्हें लगता है कि डेजीज कब्रिस्तान के लिए बने हैं और कॉर्निशनिस में कांटे होते हैं। शायद मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। हमारे कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम का क्या स्टेटस है? वो तकरीबन पूरा हो ही चुका है सर, परसों तक हम क्लाइंट्स को भेज सकते हैं। ओह ग्रेट। मिशेल, कल तुम्हें बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना होगा, समझे? जी। देखो, मैंने तुम्हें डिनर और फूलों के बारे में बता दिया, कपड़े भी डिसेंट पहन कर आना। डिसेंट मतलब कैसे? क्या मुझे सूट बूट पहन के आना होगा? सूट ही क्यों, मैंने तुम्हें जो बर्थडे पर कपड़े दिए थे उस पर स्वेटर पहन लेना, माँ ने मेरी हेल्प की थी उसे चूज करने में, और उस पर शैगी ब्राउन पैंट्स पहन लेना, काफी स्टाइलिश लगोगे। शैगी पैंट्स वो सच में स्टाइलिश होती है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसा ही गेटअप किया स्वेटर और पैंट्स के साथ तो कोई दिक्कत? तुम्हें मैं नहीं माँ पसंद करने वाली है, और उसके बाद तुम मुझे प्रपोज करोगे और हमारी शादी होगी। मुझे एक वेडिंग रिंग चाहिए। इस तरफ आइए सर। क्या आप मुझे वो रिंग दिखा सकती हैं? ये देखिए सर। मिखेल, कहाँ हो तुम? तुम हंस क्यों रही हो? तुमने मेरी सारी चीजें गड़बड़ कर दी हैं। एक मिनट रुको, प्लीज गुस्सा मत करो, ओके? तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने तो सोचा तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, इसलिए तुम्हारे कपड़े धो दिए, लेकिन ऐसा होगा ये नहीं सोचा था मैंने। वही तो, तुम कभी सोचती ही नहीं हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। हेल्प ना ही करो तो अच्छा है, जिंदगी बर्बाद कर रखी है तुमने। मिखेल, और एक बात याद रखो, इस नाम से मुझे फिर से मत बुलाना तुम। सॉरी। कात्या सुनो, देखो रोना बंद कर दो प्लीज। आई एम सॉरी यार। मेरी बदकिस्मती तो देखो, बुरे वक्त में सब ऐसा ही होता है, जो भी करने जाती हूँ उल्टा होता है। मेरे पास घर नहीं है, जॉब नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है और ना कोई बॉयफ्रेंड है। तुम्हें ना खुद को रीबूट करना चाहिए। हाँ। मैं तुम्हें एक प्रोफेशनल की हैसियत से बता रहा हूँ। इससे कोई फायदा नहीं होगा मिस्टर प्रोफेशनल। जरूर होगा, अगर तुम्हारा हार्डवेयर बिगड़ गया है तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा हार्डवेयर तो ठीक ही लग रहा है। मेरा मतलब तुम रीबूट करोगी और प्रोग्राम फिर से स्टार्ट होगा। क्या तुम पार्ट टाइम में काउंसलिंग भी करते हो? तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो मिशेल, कहाँ हो तुम? मेट्रो में? मैं अब तक निकला भी नहीं हूँ।
इसका क्या मतलब है? तुम जानते भी हो माँ को अभी माइग्रेन होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी शुरू हो गया है। किसके लिए हम इतनी तैयारियां कर रहे हैं? आखिर है कौन वो? अब तुम्हें क्या हो गया? होलिया के साथ मेरी लड़ाई हुई। पहली बार थोड़ी ना हुई होगी, दोनों सॉल्व कर लोगे। पहली बार हुई है। तुम कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हो? 6 महीने और 17 दिन से। और तुम दोनों ने एक बार भी झगड़ा नहीं किया? मैं उसे झगड़ा क्यों करूं? ना मेरे अलार्म को हाथ लगाती है, ना मग तोड़ती है, और ना मेरे ये कपड़े धोती है। परफेक्ट लड़की है। हाँ, शायद। अच्छा सुनो, एक प्लान बनाते हैं। मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। हम कहेंगे कि तुम घर से जल्दी निकले थे, कम से कम आधा घंटा जल्दी। तुम्हारी बिल्डिंग में एक बूढ़ी औरत है, उसने अपनी बिल्ली छोड़ दी। नहीं रुको, कहेंगे कि बिल्ली कुत्ते को देखकर डरकर भाग गई, फिर वो पेड़ पर जाकर बैठ गई, लेकिन नीचे नहीं आ रही थी। और तुम अच्छे पड़ोसी होने के नाते उस बूढ़ी औरत की हेल्प करने लगे। पेड़ पर चढ़ते वक्त तुम्हारा स्वेटर और तुम्हारी पैंट दोनों फट गई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिल्ली बच गई थी और बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई। फिर तुम्हें घर जाकर अपने कपड़े बदलने पड़े, इसलिए तुम लेट हो गए। That's it. और तुम इस बकवास पर यकीन कर रही हो कि ये टाइम पर नहीं आया क्योंकि इसकी पैंट फट गई थी? क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास सिर्फ एक ही स्वेटर और एक ही पैंट है जो फट गई इसलिए ये आ नहीं पाया? वो भी मेरा दिया हुआ है। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो लड़की इसके कपड़े क्यों धोती है? तुम्हें तो पता ही होगा। और तुम भी अच्छे से सोचो। ओलिया, ओलिया, आई एम सॉरी, मैं बेवकूफ हूं। मैं बेवकूफ और दयालु भी हूं। मैं किसी बेघर को ऐसे घर से निकाल नहीं सकता हूं। तो वैसे एक गुस्से वाले पति से दयालु पति हजार। हजार गुना अच्छा होता है ना? मेरे कल सच में पागल हो। हाँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगी मिशेल। क्या तुम्हें प्रपोज करने के लिए और कोई तरीका नहीं मिला? सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। स्वेटा के ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की की माँ की तबीयत खराब हो गई, तो उसने काम छोड़ दिया। उन्हें एक मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत थी, तो मुझे वो जॉब मिली। तुमने मेरे कंप्यूटर को हाथ लगाया था? हाँ, मैं इंटरनेट पर घर ढूंढ रही थी। क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तुमने वो मेरा प्रोग्राम, डेटा ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम मिटा दिया है। क्या तुमने हार्डवेयर चेक किया? तुम मुझसे बिना पूछे मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाया करती हो? बाप रे, अब ये सारा काम मुझे फिर से करना पड़ेगा। अब ये प्रोजेक्ट पूरे 2 दिन लेट हो जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, वो लोग वेट कर लेंगे। अभी मैंने इसे कल भेजने का वादा किया था, और मैं मेरे काम में कभी लापरवाही नहीं बरतता। और ध्यान से सुनो, कल मैं मेरी एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, और मेरे लौटने के बाद मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे यहाँ पर नहीं दिखोगी, ठीक है?
लेकिन अभी हम आई एम सो सॉरी। मेरी शादी के बाद बिल्कुल नहीं। हाय कात्या। कात्या प्लीज तुम जल्दी से घर देखो ना, आखिर मैं पार्टी कहाँ दूंगी? मेरे घर पर मैं नहीं दे सकती। मेरे घर पर मम्मी पापा दादी दो छोटे भाई हैं। आंखें बंद करो। मैं इस रिश्ते को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इस रिश्ते को बनाने के लिए तुम मेरी मदद करो ना प्लीज। ओके, एक मिनट हिलना मत। हाँ तो मुझे हिलने से क्यों मना कर रही हो? अरे यार मैंने उससे प्रॉमिस किया है। वैसे भी तुम ये बताओ कि तुम्हारे लिए जॉब की सिफारिश किसने की, किसकी वजह से तुम्हें जॉब मिली? तुम्हें तो थैंक्स बोलना चाहिए। स्वेटा मैं उसके लिए तुम्हारी एहसान मंद हूँ, लेकिन हम उस घर में पार्टी नहीं कर सकते। मैं वहाँ नहीं जा रही। क्या तुम वहाँ सच में नहीं जा रही हो? नहीं। आने वाज बहुत खुश हुआ। You're welcome। लेकिन ये लोग कौन है और मुझे कितना लाव क्यों है? पता नहीं, ये सब ओलेग के फ्रेंड है। मैंने इन्हें पहले नहीं देखा। ओह, क्या बात है। हे कात्या, कोई दरवाजे पर आया है। हेलो, गुड इवनिंग, बताइए क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है? आप क्या बात कर रहे हैं? ये इतनी देर तक शोर क्यों हो रहा है? अच्छा वो म्यूजिक, ये इसको म्यूजिक कहते हैं? मेरी क्यूटी पूरी शाम इस आवाज से डरती रही, इधर उधर कूदती रही। शायद इसे भी डांस करना हो। इस तमाशे को अभी बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हमें बिना म्यूजिक के ही एंजॉय करना पड़ेगा। सॉरी। अरे क्या हो रहा है बेबी? अरे म्यूजिक तो रुक गया, लेकिन गले तो मिल सकते हैं जाने वाले। हे कात्या, क्या दो थके हुए प्यार करने वालों को कॉफी मिलेगी? हाँ हाँ श्योर, लेकिन ब्लैक करंट अरोमा वाली चलेगी। ओहो, ब्लैक करंट चलेगा। कात्या यहाँ पुलिस क्यों आ गई? आओ मेरे साथ। पुलिस को भी अभी आना था। हेलो, मिस्टर गोरबुशकिन केवी कहाँ हैं? इस घर के ओनर? हम सब तो मेहमान हैं, ओनर वहाँ पर है। ठीक है, कोई बात नहीं, सब लोग घर जा सकते हैं। वैसे भी मुझे आपसे बात करनी है। चलो जल्दी निकलो सब यहाँ से। चलो यार। हाँ चलो, चलते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर, हम दोनों बहुत करीब आ गए। क्या आप पेपर्स दिखा सकती हैं प्लीज? हाँ श्योर, चलो दिखाते हैं। मैं ओनर हूँ। क्या हुआ? दिखाइए। अगर आप ओनर हैं तो फिर ये कौन है? हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो और कब आई? सर सर, ये एक धोखेबाज है। तो इसे हम देख लेंगे। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले 2 घंटे में मेरे कंप्यूटर के कैलकुलेशंस पूरे हो जाएंगे। लंच के बाद मैं प्रोग्राम फिनिश करके क्लाइंट को भेज दूंगा। जी ठीक है। तुम आ गए। हाय, तुम जा रही हो? हाँ। मदद करूँ? हाँ प्लीज, अंदर बहुत सामान है। थैंक यू सो मच। अरे ये क्या, ये तो मेरा सूटकेस है। हाँ, इसमें तुम्हारी चीजें हैं। तुमने मेरी चीजें क्यों ली बोलो? मैं ले नहीं रही हूँ, बस पैक किया है, तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। थैंक्स, और वो किस लिए? वो लैंडलॉर्ड ने हम दोनों को तुरंत घर खाली करने के लिए कहा, इसलिए मैं सारी रात पैकिंग कर रही थी। हम दोनों से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो मान ही नहीं रहा। अब तो मुझे ये भी नहीं सोचना है कि तुमने इस बार किया क्या है। मेरा कंप्यूटर कहाँ है? ओ, उसकी फिक्र मत करो, वो तो घर के अंदर ही है। लैंडलॉर्ड पूरे वीकेंड बाहर रहेगा, तो अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो बस उसे फोन कर देना। तीसरे लॉक की चाबी वो पड़ोसी के पास छोड़ कर गया है।
तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, इसे तुम्हारी लाइफ का नया चैप्टर समझो ना। नया घर, नया नजरिया होगा, नए पड़ोसी होंगे, और क्या चाहिए किसी इंसान को। कातिया, मैं जानता हूँ तुम इंसान नहीं, तुम एक तूफान हो। तुम कहाँ जाओगे? पता नहीं, मैंने अभी तक सोचा नहीं। हम मेट्रो तक तो एक साथ जा सकते है। नहीं, क्योंकि मैं अब तुम्हारी अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा। हो गया, थैंक्स। थैंक यू। स्वेटा, क्या यहाँ हमेशा ऐसा ही काम रहता है? मेरी तो कमर गई। नहीं, 3 महीने में जब ये लोग अपना नया एडिशन निकालते हैं तभी इतना काम होता है। ये देख, एक और फैशन एक्शन। कौन है ये जीनियस प्राणी जो ऐसे ऐसे आइडियाज सोचता है यार? अगर कोशिश की होती तो नाम पता चल जाता। मुझे उसके नाम से वैसे भी क्या करना है, बस अपने काम से मतलब है मुझे। अच्छा, अब मैं समझा, शायद तुम हमारी नई मेकअप आर्टिस्ट हो। हाँ, मैं नई मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और आप? अरे, मैं वही जीनियस प्राणी हूँ जिसकी तुम बात कर रही थी अभी, और इस फैशन एस्टेब्लिशमेंट का मैं ओनर हूँ। ये जगह मैंने ही बनाई है। कात्या, विक्टर, खैर छोड़ो, मुझे लगता है मेरी मैगजीन का नाम तुम्हें पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बस लगता है कि इसे और भी ज्यादा वाइब्रेंट और क्रिएटिव कर सकते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई वाइब्रेंट और क्रिएटिव आइडिया है? हाँ, पर मुझे इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पास टाइम है, आज रात तक का टाइम। वैसे यहाँ हो क्या रहा है? फैशन एक्शन। लिसन गर्ल्स, मैं चाहता हूँ कि तुम सब इनसे इंस्पिरेशन लो, और याशा, अच्छी फोटोग्राफी करना। इतना काफी है। चलो चलो, काम पर लग जाओ। उसके बारे में सोचना भी मत। हाय। हाय। नए घर के लिए बधाई। एक मिनट रुको, मैं हम दोनों के लिए स्लीपर्स लाई हूँ। टाडा, पकड़ो इसे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं तो, ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें शिफ्ट हुए 3 दिन हो गए हैं और घर अभी भी गंदा है। मेरा मतलब है कि तुम्हें सफाई तो बहुत पसंद है ना? हाँ, वो बात यह है कि मैं बहुत बिजी था ना। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, माँ ने तुम्हें ऑलमोस्ट माफ कर दिया है। मैं जा रही हूँ शाम को 7 बजे कैफे में मिलना, इंतजार मत करवाना। हाँ चलो कातिया, अंदर आ जाओ, हम आ गए। ये रहा हमारा टेबल, आराम से बैठ जाओ, और तुम जो भी खाना चाहो पीना चाहो ऑर्डर कर सकती हो बिना झिझके। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे एक ग्रीन हर्बल टी प्लीज। ओके, थैंक यू। इतना ही? मेरे लिए एक रेड वाइन की बॉटल लेकर आना, ठीक है? अच्छा कातिया, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम्हें भी थोड़ा ड्रिंक लेना चाहिए, साथ में पियेंगे, डिनर करेंगे और बातें भी कर लेंगे, क्या ख्याल? मैं आपके तीसरे पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगी। आपको अपनी मैगजीन के सिली नेम के बारे में बात करनी थी, आपने मुझसे कहा था सोचने के लिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो ठीक है, फिर हम पॉइंट 3 से ही स्टार्ट करते हैं। हाय। हाय। तुमसे मिलने आते हुए मुझे हमारी पहली मुलाकात याद आ गई। हाँ, मुझे याद है। बिल्कुल याद है, हमारे ऑफिस के ही एक कलीग ने हमें मिलाया था। नहीं, इस कैफे में बिजनेस पार्टी थी, तुम मेरे पास आने से डर रहे थे तो मैं खुद आ गई थी। तुम वहाँ कॉर्नर में लैम्प के नीचे बैठे थे, क्या तुम्हें याद है? हाँ बिल्कुल याद है। तो क्यों ना इस बात पर शैंपियन हो जाए। एक्सक्यूज मी, एक शैंपियन प्लीज। ओके। देखो कात्या, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बहुत ही अच्छा करियर आगे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखने में सुंदर और स्मार्ट लड़कियां मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब मुझे थोड़ा रुको ना। नहीं नहीं प्लीज। अरे कात्या, मैं तो बस सुनो तो। एक्सक्यूज मी,
क्या एग्जिट सिर्फ यही एक है? हाँ सिर्फ यही एक है। यस, ये रहा मेरा एग्जिट। हाय काते, तुम यहाँ? तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए प्लीज। मुझे एक बात बताओ, तुम हमेशा मिशेल से ही क्यों हेल्प चाहती हो? क्योंकि जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ ये सही वक्त पर सही जगह पर होता है हमेशा। किसके लिए सही? मेरे लिए। मुझे उस कमीने आदमी से पीछा छुड़वाना है, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। क्या लेना देना? सब कुछ। उसके पास मेरे लिए बहुत बड़े बड़े प्लान है। ओह थैंक यू सो मच। मुझे वो जॉब पसंद है और मुझे पैसों की जरूरत है, तो हम उसके पास जाएंगे और फिर मैं उससे कहूंगी कि तुम मेरे मंगेतर हो। इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और फिर मैं ऐसे एक्ट करूंगी जैसे तुम अचानक यहाँ आ गए और फिर तुम जेलस फील करोगे और मैं कहूंगी कि ये बस एक बिजनेस मीटिंग है। और तुम तुम्हारे मंगेतर का मेरे साथ होना कैसे एक्सप्लेन करोगी? तुम इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो, इसकी कजन हो जो बेल्डियाश्की से यहाँ आई है। ओलिया, तो मैं तुम्हारी कजन हूँ जो बेल्डियाश्की से आई है? प्लीज प्लीज, बस दो मिनट की बात है, प्लीज आई प्रॉमिस। चलो ना, चलो चलो जल्दी, प्लीज अपना कोट पहनो। आ जाओ जल्दी। हाय विक्टर। कात्या बोलो। इनसे मिलिए, ये मेरे फियांसे हैं। मिशेल। हम यहाँ अचानक ही मिल गए और ये यहाँ अपनी कजन के साथ डिनर के लिए आए हैं, पर बात ये है कि मैंने इनसे कहा कि आप मेरे बॉस हैं और हम यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं, पर इन्हें यकीन नहीं हो रहा, तो आप इन्हीं से पूछ सकते हैं। हाँ। अब बस बहुत हो गया। आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए। डिनर के लिए थैंक यू सो मच। ओलिया मेरी बात तो सुनो। ओलिया तुम तो जानती हो वो कितनी बेअकल और बेवकूफ लड़की है। तुम उसके बारे में इतना जानते हो? माँ ने पहले ही वार्निंग दी थी। रुको, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। मेरा यकीन करो, मेरे लिए हमेशा तुम बेस्ट थी और हमेशा बेस्ट ही रहोगी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? क्योंकि मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मैं लॉजिकल हूं और मैं ऑनेस्ट भी हूं। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? ओ मिकेल, सुनो ना, आइडिया काम कर गया, आई थिंक वो समझ गया है। सच में? तो अब मैं जा सकता हूं? हां श्योर। थैंक यू, गुड नाइट, सी यू। मिकेल, मिकेल, जरा एक मिनट रुको ना, आई एम सो सॉरी, बस एक मिनट हाँ, बस जरा यहाँ। अच्छा एक बात सुनो, मेरा टूथब्रश तुम्हारे घर पर रह गया क्या? तुम्हें सच में लगता है कि इस समय तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? मैं जानती हूँ ये बेवकूफी है, लेकिन वो टूथब्रश मेरी दादी ने मुझे। मेरे पास तुम्हारा टूथब्रश है। ओह दैट्स ग्रेट, एटलीस्ट अब मुझे तसल्ली तो हो गई। मुझे धोखा देना बंद करो, समझे? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, और तुम यही चाहते हो ना कि हम दोनों के बीच झगड़ा हो जाए और तुम उसके साथ शादी कर सको। ओलिया तुम गलत समझ रही हो। और ये तो वैसे भी शादी करना ही नहीं चाहता। अच्छा तो ये बात तुमने उसको भी बता दी, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ओलिया सब ठीक हो जाएगा, मेरी बात सुनो, मेरा यकीन करो, सब ठीक हो जाए। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में और प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था मैंने तुमसे ऑफिस में प्यार व्यार के चक्कर से दूर रहो। अरे और कितना पानी डालोगी? वो बहुत ही अच्छा लड़का है माँ, मैं उससे शादी करना चाहती थी। हर बेवकूफ लड़की शादी करना चाहती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस लोमड़ी पर भरोसा मत करो, लेकिन तुमने भरोसा किया और वो धोखा देता रहा। वो लड़की भी बहुत चालाक है। लाओ इधर मुझे दो। मैं क्यों करूं? मत रो मेरी बच्ची, ऐसे रोते नहीं। तुम जानती हो वो एक अच्छा इंसान है, वो बहुत प्यारा भी है, अच्छे पैसे कमाता है। कल तुम उसे सॉरी बोलोगी, तुम कहोगी कि तुम गलत थी और फिर तुम उसके घर जाकर सेलिब्रेट करने के लिए कहोगी, ठीक है? मैंने जो कहा वो याद रखोगी ना? आप क्या कहना चाहती हैं? क्या तुम्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आया? आप ही तो हमेशा कहती रही शादी के बाद। मैं बिल्कुल सही कह रही थी कि शादी के बाद, लेकिन अब चीजें हाथों से बाहर जो आ रही है। मेरी बात सुनो, ये लो पियो। मैंने कहा था ना कि ये बहुत बुरा आइडिया है। विक्टर का बेड उसकी एचआर का है, अगर गलती से भी उसे पता चल गया ना तो वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, समझी? क्यों, उसे क्या प्रॉब्लम होगी? और मैं वैसे भी एक बिजनेस डिनर पर गई थी और हम वहाँ मैगजीन का नाम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन तुमने किया कैसे?
सच कहूँ तो बहुत मुश्किल था, लेकिन मिखेल भी उसी कैफे में डिनर करने आया था और उसने मेरे जेलस फियांसे की एक्टिंग की। मिशेल, जेलस फियांसे प्लीज, वो तो बहुत ही बेवकूफ और गधा इंसान है। तेरे लिए वो बेवकूफ रहा होगा, लेकिन वहाँ पर एक योद्धा खड़ा था। और मैं अब तुझसे सच कहूंगी कि कल के इंसिडेंट के बाद तो मिखेल ने ये प्रूव कर दिया कि मेरी जो थियोरी थी, दुनिया आपसे प्यार करती है, कर्मों का फल जरूर मिलता है और किस्मत आपका साथ देती है। बिल्कुल सही। थैंक यू। हेलो। हाय। हेलो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मैं वो ऑर्डर की डिलीवरी कर रहा। कल रात के लिए मुझे बहुत अफसोस है, शायद मैं ही गलत थी। कोई बात नहीं। सच में तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? ओके, तो अब हम फाइनली अपनी एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्या कहते हो? मैं पूरी रात तुम्हारे घर पर रहूंगी। ओलिया, इसका कोई असर नहीं होगा। किस बात का असर नहीं होगा? किसी भी चीज का। क्या तुम उससे प्यार नहीं करते हो? मैं कितनी बेवकूफ थी। माँ बिल्कुल सही थी, वो उसके पैंट्स अपने सर पर रखती है ना, बोलो। वो झल्ली है ना मिशेल, वो अपना टूथब्रश वहां भूल गई थी ना। बोले, अब लोग हमें देख रहे हैं। हाँ, मैंने जॉब छोड़ दिया। हाँ, वो कुछ पर्सनल रीजंस थे। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा तैयार रहता हूँ और मेरे पास रिज्यूमे है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। अरे वाह, तुम मेरी मदद कर रहे हो क्या? अगली बार तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊंगा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आईटी रूम कहाँ है? अब बता। यहाँ से राइट और फिर लेफ्ट। थैंक यू। समझ गया, थैंक्स। शायद वो पहुंचने वाला है। शायद कोई बोरिंग सन की बुड्ढा होगा, मुझे पूरा यकीन है वो आने जाने का टाइम मार्क करेगा। हेलो। 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 मैं तुम लोगों का नया बॉस हूँ, मिशेल। ये रोमन है। ईगर। ओके, वैसे काम कैसे चलता है यहाँ पर? वो यहाँ पर एक चीज बहुत अजीब है, बहुत सारी औरतें। आप खुद समझ जाओगे। वो सब ठीक है, चलो हम एक दूसरे के दोस्त बनते हैं। ईगोर। मिशेल। रोमन। यहाँ के मैगजीन्स देखना चाहोगे? हाँ। ग्लैमरस है, लेकिन जब उन्हें प्रिंट करने के लिए भेजा जाता है तब वो अचानक से गायब हो जाते हैं। कई बार ऐसा हो चुका है। हाँ, इट्स ओके, इसका पता जरूर लगाएंगे हम लोग। और औरतें, उनको समझना मुश्किल है, जानते तो हो। निशाना सही था? एकदम सही था। साथ में मिलके अच्छा काम करेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या सवाल है? मैं यहाँ काम करती हूँ। मैं भी यहीं काम करता हूँ। कब से? मैंने आज ही ज्वाइन किया है। वाह, इंटरेस्टिंग। कहीं तो मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे?
तुम्हारे फियांसे से पैचअप हो? नहीं। क्यों नहीं हुआ? मेरी अब कोई फियांसे नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे लिए वो परफेक्ट थी ना, तुम ही ने कहा था ये। बिल्कुल कहा था, लेकिन मेरी जिंदगी में एक पॉइंट पर एक वायरस आया, बड़ा वायरस। शायद भगवान तुम्हें रीबूट करना चाहते थे इसीलिए ऐसा हुआ। तुम्हारे आने से पहले मेरे सारे प्रोग्राम्स बिल्कुल ठीक चल रहे थे। बेवकूफ कहीं की। तो आपने क्या सोचा है? किस बारे में? अरे वही, मैगजीन्स, लड़कियां और फोटोग्राफी। नंबर वन और टू तो तकरीबन फाइनल ही है। तो हो जाए। चीयर्स। मिशेल, क्या तुम्हारी वाइफ है? नहीं, बात ही नहीं बन पाई। एक और। ओके। क्या वो छोड़कर चली गई? क्या तुमने उसे छोड़ा? ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा, मतलब मुझे एक मुकाम पर ऐसा लगा कि वो मुझे ठीक से समझ नहीं पाती है, मुझे गलत समझती है, और यही बात समझ में आती नहीं है। असल में वो मुझे अपनी माँ के हिसाब से बदलना चाहती है, और वो बोरिंग है, बहुत बोरिंग, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो आजकल में आपको कोई ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लड़की मिली है क्या? हाँ, मतलब नहीं, बात यह है कि मैं उसके साथ कोई रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऐसे इंसान पर ट्रस्ट करो जिसके पास इसका नॉलेज है। आपको प्यार हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं है, सच कह रहा हूँ। चीयर्स। कम ऑन। मिशेल, तुम पागल हो गए हो क्या? आने से पहले तुमने बताया क्यों नहीं? आने से पहले बताया नहीं, मतलब मैंने इस घर का 3 महीने का एडवांस किराया पे किया है। वैसे तुम ये बक क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें फोन किया था, लेकिन नॉट रीचेबल था। नॉट रीचेबल था तो इसका मतलब ये है कि तुम आकर मेरे बेड पे सो जाओगे? मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी और लेडी से प्यार हो गया है। और उस किसी और के पास कोई घर नहीं है ना? ये क्या बात हुई, कोई आदमी किसी का घर देखकर प्यार करता है क्या? तुम्हें ऐसी औरत से प्यार ही नहीं करना चाहिए था। ऑलरेडी मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है। हम यहीं रुकेंगे, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, बस 2 महीने की बात है। थैंक यू वेरी मच। वैसे तुम दोनों को गुड नाइट। देखो तुमने मेरे बाल कैसे सुनहरे कर दिए हैं। ओ नहीं नहीं नहीं, तू मुझे ऐसा कलर करने बोलती तो मैं मना कर देती। अच्छा ये छोड़िए, बता ये शाइन या फिर ये वाली, कौन सी अच्छी है? हेलो, हाय ब्यूटीफुल गर्ल्स, तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो हमें ना तुम्हारी हेल्प चाहिए। उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो तो बॉस से पूछना पड़ेगा, दरअसल वो बेघर हो गए हैं। तो तुम लोगों की नजर में क्या कोई ऐसा घर है जो किराए पर मिल सकता है? ये बताओ कि क्या तुम्हारा बॉस हैंडसम है? अगर है तो मैं उसे अपने साथ रख सकती हूँ। ए रोमन, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ हमारा क्रिएटिव काम चल रहा है। तो तुम जाओ यहाँ से, प्लीज चलो निकलो यहाँ से, बाय बाय। अरे न्यूड लिपस्टिक में भी अच्छी लग रही हो। क्या मिशेल फिर से बेघर हो गया? मैं जाकर चाय बनाती हूँ, मुझे इस तरह मत देखो। हेलो। हेलो मिशेल, हाय, कैसे हो? मैं कात्या। हाँ बोलो कात्या। दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रही हूँ, तो दूसरा घर मिलने तक तुम मेरे घर में आकर रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं 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 नहीं, तुमने मेरे लिए इतना सोचा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो बाय, हैव अ नाइस ट्रिप। बॉस, मेरी समझ में नहीं आ रहा है,
एक खूबसूरत लड़की आपको अपने साथ अपने घर में रखना चाहती है और आप नाना कर रहे हैं। नहीं, उसने कहा ना, उसे किसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रहना है। वैसे बिल्कुल सही कहा तुमने, उससे अच्छा तो ये होगा कि मैं यहीं चेयर पर ही सो जाऊं। हाँ। चेयर ही बेहतर है इनके लिए। हेलो, मेरा ऑफर अभी भी वैलिड है और मैं अभी ऑफिस से निकल रही हूँ, तो अगर चाहो तो मेरे साथ। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं कि मैं अपना सामान रखता हूँ, ठीक है ना? ठीक है फिर। तो मैं तुम्हारे ऑफिस आऊँ क्या? हाँ, नहीं, एक्चुअली मैं वो 15 मिनट में तुमसे मिलता हूँ हॉल की सीढ़ियों के पास। यहाँ मेरा कुछ ज़रूरी काम बाकी है ना, इसलिए मैं आता हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो 15 मिनट में हॉल की सीढ़ियों के नीचे मिलते हैं। हाँ, ओके। पाँच मिनट सो जाता हूँ। अंदर आ जाओ, बी कंफर्टेबल। इसे अपना ही घर समझो, मैं जाकर खाना लगाती हूँ। अरे नहीं, मैंने ये कहा था कि सिर्फ मैं अपना सामान रखूंगा, तुम्हें तो याद है ना? बेवकूफों जैसी बातें मत करो, जब मुझे जरूरत थी तो तुमने हेल्प की, तो अब मुझे भी करने दो ना। वैसे भी जब तुम्हारे पास एक घर हो तो नया किराया का घर ढूंढना आसान होता है। इसका मतलब मुझे खुश होना चाहिए। ओह देखा, तुम्हारा रिबूट स्टार्ट भी हो गया। वैसे इसे रिबूट नहीं कहते, सिस्टम क्रैश कहते हैं। पेड़ों की उम्र, ड्रैगन ट्री 6000 साल, बाओबाब ट्री 5000, इतना लंबा जीता है। ओह व्हाट अ लूजर, सिर्फ 50 साल। मिखेल सो गए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सो रहा हूँ। क्यों नहीं सो रहे? सोच रहा हूँ। क्या? यही कि मैं तुम्हें अब तक जान नहीं पाया। तो मुझे जानने से तुम्हें रोका किसने? किसी ने नहीं, तुम ही बताओ। क्या जानना चाहते हो तुम? कोई भी इंटरेस्टिंग सी बात जो तुम मुझे बताना चाहती हो। मेरी दादी बच्चों के नाटक में काम करती थी। तुम्हारी दादी एक्ट्रेस? कैन यू इमेजिन, वो हमेशा मुझे अपने साथ लेकर जाती थी। मुझे उनका पूरा नाटक याद हो जाता था, लेकिन मुझे नाटक के दौरान स्टेज की छत पर चढ़कर मजा आता था, और वो जो पर्दों को पकड़ कर रहती थी उसमें सेफ्टी नेट्स नहीं थे। कैन यू इवन इमेजिन, कितना रिस्की काम था उनका। तुम पागल हो। हाँ वो तो मैं हूँ ही। और पता है ऐसा बहुत बार हुआ, एक दिन एक एक्टर ने मुझे छत पर मजे करते हुए देख लिया था और कंप्लेन कर दी। एक्चुअली उस वक्त नाटक चालू था, और फिर अचानक एक एक्टर का ध्यान छत की तरफ गया, वो मुझे देखता रह गया। फिर स्टेज पर जितने लोग थे वो सब अपने कमरों में भाग गए, और उसके बाद सन्नाटा सा छा गया था। मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। और फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने अपने इस डर को हरा दिया और बाहर निकल गई तो हमेशा खुश रहूंगी, फिर मैं कभी किसी चीज से नहीं डरूंगी, फिर सब कुछ अच्छा होगा।
देर से बेल बजा रही हूँ। कात्या, तुम कहाँ हो? वो घर पर नहीं है, ट्रिप पे गई है, कुछ दिन बाद आएगी। किसी और दिन मतलब? ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुम्हें पता भी है आज मेरे लिए कितना खास दिन है। माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। वैसे मुझे ये बताओ, तुम कौन हो? मैं वैसे कोई नहीं हूँ। कोई नहीं हो, फिर भी ओनर की एब्सेंस में उसके घर में हो। तुम मुझे कलीग कह सकती हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं जोया हूँ, उसकी पड़ोसी मिशेल। मिशेल, तुम जानते हो मिशेल, मुझे मर्दों के हाथों पर काफी विश्वास है। प्लीज आज रात के लिए मेरा मेकअप करो ना, मुझे यकीन है तुम करोगे। मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं, मैं तो कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। तब तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरा जो कंप्यूटर है ना, वो बार बार हैंग हो जाता है। तुम मेरे घर पर आकर उसे ठीक कर दो ना प्लीज। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, फिर कभी आऊंगा मैं। ओके। चलो चलो जल्दी करो, लेट हो रहा है। मुझे तुम्हारे लिए और कितना वेट करना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी करो। फिर उसने मुझसे कहा कि मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसे अपने बारे में बता रही थी और वो सुनते सुनते सो गया। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो शेर की जैसे दहाड़ेगा? वेल ऑफ कोर्स मैं ऐसा तो नहीं चाह रही थी, लेकिन सुन तो सकता है। क्या चल रहा है खूबसूरत परियो? अच्छी चीजें हमेशा सब्र करने वालों को मिलती है, समझ गए या नहीं? वो कात्या का उसके टैलेंट के साथ प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन तुम्हें कौन प्रॉब्लम दे रहा है डियर? उससे अच्छा हम अपने क्रिएटिव प्लान्स डिस्कस करें। एक्चुअली मैं तुम्हें एक जोक बताता हूँ। एक डॉक्टर एक पेशेंट का एक्सरे देखकर उसे कहता है कि हाथ टूट गया है और कमर की हड्डी भी फ्रैक्चर है, रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसे फोटोशॉप में फिक्स कर देंगे। जरा लाइट ठीक करने दो मुझे। अरे आई होप आज मेरा मेकअप तुम करोगे। जैसा मैंने बोला था वैसे ही कर दे। पता नहीं कात्या, मैंने इस बारे में डिस्कस नहीं किया। क्या कर मैंने सवाल नहीं पूछा, मैं कह रही हूँ थोड़ा थोड़ा मैं किसी और से मेकअप नहीं कराऊंगी। जैसा कहती हूँ वैसा करो। उधर लेके जा। हाँ, शाबाश। थोड़ा थोड़ा इधर। तुम उसके बारे में सोचना भी मत। याद है ना मैंने कहा था तुम्हें? देखेंगे आगे क्या होता है। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें पता है कि विक्टर आज यहाँ आने वाला है कि नहीं? हाँ हाँ ऑफ कोर्स जानती हूँ, क्यों नहीं आएगा। आज रात वो शैंपेन और उसके बिजनेस पार्टनर्स के साथ आएगा। बहुत बढ़िया, चलो जाओ जल्दी से मेकअप करो। हाँ सही है, यही पर सेट करके छोड़ देना। ओके डन, मेकअप हो गया, तुम जाकर चेंज कर लो, फिर हम हेयर स्टाइल भी करेंगे। ओके कर रहे हो? मैं तुम्हारी फोटोज खींच रहा हूँ। पर क्यों? क्योंकि मुझे खींचनी है, देखना बहुत कमाल की फोटोज आएंगी, तुम्हें जरूर पसंद आएंगी। ऐसे? थोड़ा लेफ्ट में हो जाओ। हाँ। नहीं तुम्हारे लेफ्ट में। पता है, एक टाइम था जब मुझे भी मॉडल बनना था। पर ये बहुत पहले की बात है। और फिर मुझे लगा कि मुझे अपने लिए रियल गोल्स सेट करने चाहिए, इसलिए ये काम करने लगी। चीन को थोड़ा नीचे करो और हल्के से मुस्कुरा। क्या बात है, बढ़िया।
यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर। कात्या घर पे नहीं है। तो कब तक आएगी वो? वो सोमवार को आएगी। सोमवार को आएगी, सोमवार को आएगी। क्या आप दरवाजे पे गाना गा रही थी? एसडी बर्मन का गाना गा रही थी। आप कात्या की दादी है ना? कात्या ने मुझे बताया। हाँ। आप एक्ट्रेस हैं। हाँ। नमस्ते दादी। हेलो नौजवान, वैसे मेरा नाम स्पार्क है। स्पार्क, समझ में आया या नहीं? क्या है? स्पार्क है। हाँ। मम्मी पापा इसी नाम से बुलाते थे, तो मुझे स्पार्क की मानो ना बुला सकते हो। थोड़ा सा फनी लगता है ना, लेकिन बुला सकते हो। क्यों फनी लगता है? वैसे तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने? मिशेल। मिशेल, मिखेल, मिशेल, मिखेल। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कात्या घर पर नहीं है तो क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा सकते हो? कब जाना है? अभी तुरंत निकलना है, वैसे मेरे पास अपॉइंटमेंट है। मुझे ऑफिस में फोन करके बोलना होगा। हमारे शहर में बहुत से थिएटर्स हैं, लेकिन मुझे अपना यूथ थिएटर बेस्ट लगता है। हाँ, मैंने उसमें बहुत सारे रोल प्ले किए हैं। खरगोश का, इंक्वेल का, हाँ सच में इंक्वेल का, बगीरा, और तो और गेटर के बैड बॉय का भी। तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मैं वो ये सोच रहा था कि कात्या की दादी बैड बॉय के रोल में कैसे दिखेगी, यही सोच रहा था। ये बताओ, कात्या ने तुम्हें परेशान किया? ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप और कात्या मुझे, मतलब आप दोनों ही सिर्फ मिखेल क्यों बोलती हैं? अच्छा ये बात। हाँ? है इसका मतलब उसे अभी भी याद है। तुम्हें पता है मेरी जवानी के दिनों में मुझे यंग गर्ल्स ऑफ रोजफोर्ट मूवी पसंद थी, और पता है उसका हीरो कौन था? मिशेल पिकोली। मुझे बहुत पसंद था, जानते हो मैंने अपने हस्बैंड से शादी भी इसीलिए की। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं कात्या के बारे में कुछ नहीं जानता। कात्या के पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए जब वो सिर्फ 3 साल की थी, और तब से हम दोनों साथ हैं, वो और मैं। पर्दे के पीछे वो बड़ी होती गई, उसने मेकअप आर्टिस्ट का काम सीखा और वो अब फेमस होना चाहती है। वैसे भी हर कोई फेमस होना चाहता है। एक बात याद रखना कि कात्या हमेशा सब कुछ सही करती है। हाँ, सही है जी। हेलो, आप मेरे साथ आइए, आप यहीं बैठिए। जी, आपका उनके साथ क्या रिश्ता है? मेरा? हमेशा उनकी पोती उनके साथ आती है ना? वो तो है, लेकिन आज उसने मुझे भेजा है। आप उसके फियांसे हो? उससे कम या ज्यादा। समझ गई, कम या ज्यादा। हमारे मैगजीन के स्पेशल एडिशन के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। लो लो उठाओ, बाद में खाना खाएंगे। वैसे इस बार का सारे मेहमान देख लेना, रिकॉर्ड करेगा। हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। कात्या? हाँ? लग रहा है किसी बात से परेशान हो। नहीं, मैं बस जरा थक गई हूँ इसलिए। अच्छा, स्पेशल एडिशंस में काम तो बढ़ ही जाता है ना? मुझे नहीं लगता, इनफैक्ट मुझे तो यहाँ काम करने में मजा आता है। सच में? मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और एडिटिंग स्टाफ ने स्पेशल एडिशन के लिए तुम्हारे द्वारा सजेस्ट किया हुआ नाम अप्रूव किया है। सच में? हाँ, फैशन वीम, यही नाम अप्रूव हुआ है। तुमने यही वाला सजेस्ट किया था ना? दैट्स नाइस। तो अब तो हमें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए ना? विक्टर। हाँ? निकोलाई तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तुमने उनसे कुछ सरप्राइज देने की बात की थी ना? ऐसा है? अच्छा गातिया, तुम अपना ख्याल रखना, बाद में मिलता हूँ। चलो उसे सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज। चलो 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 चलो
चलो जी मैं अभी दोस्तों एक मिनट के लिए जरा आप लोग इधर देखिए, मैं आप सभी को टेरेस पर बुलाना चाहता हूँ और वहाँ एक सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। प्लीज मेरे बच्चों का ख्याल अच्छे से रखना। नहीं मैंने पहले कभी किया नहीं है ये सब। उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है हा? और वैसे भी मेरे बच्चे बहुत शांत स्वभाव के हैं और समझदार भी। जब भी मेरी रिहर्सल होती है तो कात्या ही मेरे बच्चों का ध्यान रखती है क्योंकि उसी वक्त मेरे हस्बैंड की भी शिफ्ट होती है। आप तो जानते ही होंगे थिएटर के बारे हाँ, में ज्यादा नहीं। अगर मैं वहाँ टाइम पर नहीं पहुँची तो वो लोग मेरी जगह किसी और को ले लेंगे और मेरे हाथों से सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट निकल जाएगा। नहीं कात्या होती तो जरूर करती। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है मैं ख्याल रखता हूँ। सच में आप ध्यान रखेंगे? थैंक यू। अच्छा बच्चों चलो अब मैं जा रही हूँ, अंकल को तंग मत करना ठीक है। बाय। ओके बाय। सब लोग यहाँ मेरे पास और करीब आ जाओ ठीक है। तुम भी यहाँ आ जाओ। ये कार्ड लो, ये बहुत अच्छा ब्रोकर है। घर ढूंढने में ये मिशेल की जरूर मदद करेगा। तुम्हारे साथ भी वो रह सकता है ना? जरा सोचो। तो आपकी रात कैसी रही बॉस? हाँ रात इंटरेस्टिंग थी क्योंकि वो दो बच्चे जो थे मेरे साथ, बस 3 घंटों में उन बच्चों ने कात्या के घर का नक्शा बदल दिया। मैं ठीक करता रहा, ऐसे ही रात बीती। अच्छा तो हमारे मेकअप आर्टिस्ट के बच्चे भी है? ऐसी बात नहीं है, बच्चे उसके पड़ोसी के थे। उनकी माँ को जब रिहर्सल पे जाना होता है तो वो कात्या के पास छोड़ती है, कात्या उसकी हेल्प करती है। ओहो पिछले 22 सेकंड्स में आपने 3 बार कात्या का नाम लिया है, इसका मतलब क्या होता है बॉस? तुम्हें कुछ आइडिया क्या? वार्षिक और मुझे डिनर करना था, फिर मैंने देखा कि खाना हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम तुम्हें इनवाइट करने आए हैं। मुझे यकीन है कि तुम मना नहीं करोगे और आज का डिनर हमारे साथ करोगे, तो क्या अब हम चलें? वैसे मैं आ जाता लेकिन आज मुझे बहुत काम है तो सॉरी। जरा एक बार फिर से सोच लो। क्या कहा? फिर से सोचूं? मेरे पास सोचने के लिए समय नहीं है। तुम्हें याद है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे घर पर आकर मेरा कंप्यूटर ठीक करोगे? तुम्हारा कंप्यूटर तो मैं देख लूंगा लेकिन किसी और दिन। वार्षिक! वार्षिक कहाँ है? वो टेबल के नीचे चला गया है। कहाँ गया? आजा 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 आजा। अरे वार्षिक आजा। वो खुद से बाहर नहीं आएगा। वार्षिक आजा। तुम्हें उसे बाहर लाना पड़ेगा। ओफो, यक। तो फिर मैं झाड़ू लेकर आता हूँ। वार्षिक को और झाड़ू से? तो फिर क्या? मुझे नहीं पता, तुम ट्राई करके देख सकते हो जैसे अपने हाथों से। लेकिन वो अपने पूरे बाल फैला देगा हर तरफ अभी। वार्षिक आ जाओ बेटा। वार्षिक बाहर आ जाओ। वार्षिक ये तो मुझे नाखून मार रहा है, तुम उसे बाहर निकालने की कोशिश करो, बात बन जाएगी। सच में? यहाँ आओ हनी। आजा। आओ ना। आजा। आओ ना। आजा 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 आजा। आजा ना। क्या बात है? वाह आजा। हम अब कुछ अलग ट्राई करते हैं। हेलो कात्या। हेलो। तुम अभी आ गई? क्या मैं गलत समय पर आई हूँ? नहीं वो वार्षिक को पकड़ रहे थे। हाँ, हाँ देखा मैंने। वार्षिक घर चलो। तो फिर मैं चलती हूँ। मिशेल मेरा ऑफर अभी भी लागू है, तुम जब चाहो आ सकते हो। अच्छा देखो ना मैंने तुम्हारे लिए ये पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये एजेंट का नंबर है, इसे कॉल करो, अच्छा सा घर दिलवा देगा।
अच्छा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ मैं I'm okay. स्वेटर वहाँ जो भी सामान पड़ा था सब कुछ ले लिया क्या तूने? पर क्यों लिया? तुमने तो आधे ज्यादा यूज भी नहीं किया था इसलिए लेकर आ गई। कत्या सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं इस वक्त बिजी हूँ। बिजी तो हो लेकिन सुन तो सकती हो ना? नहीं, ये सही वक्त नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कभी समय मिलेगा, और तुम मेरा फोन भी नहीं उठाती, मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं देती, और मैं कैफे में आया तो तुम वहाँ से निकल गई। हम यहाँ पर काम करते हैं। वो तो देख रहा हूँ मैं, लेकिन ये जरूरी बात है। ठीक है, तुम्हारे पास 40 सेकंड्स है। अच्छा ठीक है। मैं दादी को हॉस्पिटल लेकर गया था। हाँ जानती हूँ, थैंक यू सो मच। मैंने मरीना के बच्चों की देखभाल की और उस वजह से उसको रोल मिल गया। 5वें माले के पड़ोसी को कुत्ते से बचाया और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने तक उसके साथ मैं रुका रहा। एक पड़ोसी को सोफा उठाने में हेल्प की, फ्योडोर को कुछ पैसे दिए। ये सब करते करते मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा बन गया। दैट्स ग्रेट। अब मैं खुद को चेंज करने की कोशिश करूंगी ताकि तुम्हें मेरी वजह से कोई भी तकलीफ ना हो। लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। आई मीन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या कहा? लेकिन तुम तो मुझे हमेशा पगली, झल्ली और वायरस कहते हो, और अब कह रहे हो कि मेरे जैसा बनना है। हाँ, तुम्हारा प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो समझने में टाइम लग गया मुझे। इसका मतलब तुमने फिगर आउट कर लिया है। सुनो तो कात्या, मैं जानता हूँ कि जब तुम आई थी तो तुम थकी हुई थी और मैं उस बिल्ली के साथ था। असल में तुम्हें अच्छे से वेलकम करना चाह रहा था मैं। हाँ, तुमने मेरा वेलकम किया था। देखिए बॉस, मुझे तो लगता है कि आपको उसे सरप्राइज देना चाहिए, और वो भी ऐसी जो बिल्कुल हट कर हो। किस तरह का सरप्राइज? उसे क्या पसंद है? उसका सपना क्या है? उसे तो गड़बड़ी करना पसंद है और उसे फेमस होना है। फिर तो यहाँ मामला बहुत गड़बड़ है बॉस। हेलो मेरे आईटी डिपार्टमेंट के बच्चों, मिशेल नया घर कैसा है? अच्छा है, ब्रोकर बताने के लिए शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम लोगों की शक्ल ऐसे क्यों गिर हुई है? हाँ तुम्हें एनर्जी बूस्टर चाहिए? हाँ, वो चाहिए। तो मेरे पास है, देखो। अरे बाप रे बॉस, आपको यहाँ कर देखना चाहिए। आई थिंक मेरे पास एक आइडिया है। मुझे लगा वो मुझे पसंद करता है दादी। मुझे जरा सा भी डाउट नहीं है। सच में? तो फिर वो जोया के साथ नीचे जमीन पर क्या कर रहा था? तुमने ही बताया ना कि वो उसकी बिल्ली को ढूंढ रहा था। और मैं इस पर यकीन कर लूं? बिल्कुल, पर मैंने ही उसे झूठ बोलना सिखाया था बिल्ली के बहाने देकर। हे कात्या, मुझे नहीं लगता कि उसने तुमसे कुछ झूठ कहा। उसकी वो मासूम आँखें और इतनी प्यारी मुस्कान है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कभी कभी, पर कभी कभी ऐसा नहीं लगता। जल्दबाजी में किसी भी नतीजे पर मत पहुंचो। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है कात्या। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? हमें इसके वजह से कितना सुनना पड़ेगा? अरे सुनो तो, बॉस की पर्सनल लाइफ पागल हो चुकी हो गई, जरा उनके बारे में सोचो। ओके ओके, तुम लोगों को एग्जैक्टली कहना क्या है साफ साफ कहो, समझे?
लड़की बस मेरी बात सुनो, हमें इसे ज्यादा सेल होने से रोकना होगा। कहां जा रही है तुम? क्या क्या है ये? इसका मतलब क्या है? ये हटो यहां से। विक्टर, ये क्या है बताओ? बाद में बात करता हूं, मुझे भी जानना है कि ये क्या है। क्या है ये सब बताओगी? ठीक है, यानो सुनोबा, उसे जल्दी से बुलाओ जो इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। ये पहले से ही वेटिंग रूम में था। यार सर, सर मैं सुन ही रहा था आपको। मुझे ये बताओ कि मैगजीन के कवर पर ये फोटोग्राफ कहां से आई? फोटोग्राफ? हाँ, फोटोग्राफ। मुझे नहीं पता, सब कुछ पहले से कंपोज था और आपने अप्रूव भी किया था, आपने मौका भी साइन किया था। अग्लाया नोविकोवा कवर पर थी। Exactly. चुप रहो, तुम बोलो। फिर किसी ने देर रात को मेन कंप्यूटर से चेंजेस कर दिए। किसने किया? हाँ, कौन है वो, बोलो। शायद वो आईटी डिपार्टमेंट का न्यू चीफ मिशेल है, सिर्फ वही एक्सेस कर सकता था और हमें उस पर पूरा शक है। मैंने उसके टर्मिनेशन के पेपर्स भी रेडी कर दिए हैं, हम उसे ढूंढ रहे हैं सर। उसे ढूंढ रहे मतलब? नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। हाँ, तुम्हारी गलती है। देखो इसे, देखो। समझ गया, ये वही है ना? ये तो वही है ना जिसे तुमने मुझसे रेस्ट्रो में मिलवाया था, रेस्ट्रो में, और तुमने कहा था कि ये तुम्हारा फियांसे है ना? रेस्ट्रो क्या? रुको जरा, बेवकूफ बना है। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। कितने, कैसे? ओ कम ऑन, इसे बाहर आए हुए तो अभी कुछ ही घंटे हुए हैं। अच्छा ठीक है, नहीं हाँ हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ, तुम इसे बाहर निकाल दोगे ना? क्या ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। बल्कि मैं तो इसके उल्टा करूंगा, मैं तो इसे हमारे फैशन वीम के अगले स्पेशल एडिशन में पूरा कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। अच्छा सुनो, एक बात बताऊं? अगर कमर्शियली बात करूं तो ये सबसे पावरफुल कवर बन गया है, मैं तो खुश हूं। खुश हाँ? तुम्हें क्या? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही? मेरी बात तो सुनो। अरे तुम तो थी ना कवर पर। ठीक है जाओ, तुम यहां क्यों खड़े हो, जाओ। हाँ सर। बेअक्कल लोग, अब मैं इससे बात करता हूँ। कात्या, कात्या तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हारी फोटो कवर पेज पर आई। वो देखो क्या है, वो मेरे दिमाग में एक बात है। वो दरअसल मैं ये सोच रहा था कि हम और ज्यादा प्रमोट करेंगे और तुम बहुत फेमस हो जाओगी। हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं ना? नहीं 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 नहीं, हम इस वक्त ये बात करेंगे कि मिखेल के साथ क्या होगा। एक्चुअली इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, हमारा झगड़ा हुआ था और उसने मुझे सरप्राइज देने के लिए ये सब किया। मैं ये कह सकता हूँ कि उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत फायदा होगा। हाँ यारो सुलोवा, जरा अंदर आना प्लीज। उसे जॉब से मत निकालना, वो बहुत अच्छा इंजीनियर है, उसे मत निकालिए प्लीज। अच्छा, हमारे हीरो की कोई खबर आई? मिल गया वो? विक्टर, एक्चुअली सेलिना सुबह ही जॉब छोड़कर चला गया है यहाँ से। I'm so sorry। आ गए तुम, खाओगे? अरे लो लो खाओ, बहुत अच्छा है, ले लो। अरे लो ना,
क्या बात है? हे, तुम मेरा फोन लेकर क्यों उड़ गए? हे, मेरा फोन दे दो, मेरा फोन वापस दो। एहसान फरामोश हो तुम। एक बड़ा शहर ऐसी जगह होती है जहाँ किस्मत और कामयाबी हर मोड़ पर आपका इंतजार करती है। कभी आपको लगता है कि वो बिल्कुल आपकी पहुंच में है, बस हासिल करना है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जब तुम किसी से प्यार करते हो ना, तो तुम्हारे लिए कोई चीज मायने नहीं रखती। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो तुमसे एक टूटे हुए मग के पीछे भी झगड़ा कर लेता है, क्योंकि वो इंसान मायने रखता है, सिर्फ वही। मैंने उसे हमेशा के लिए गंवा दिया। देख तो रही हो। मैं भी फोन नहीं कर पाई। मैंने तुम्हें बताया था ना कौवे फोन चुराते, पर तुम्हें यकीन ही नहीं।